So hey friends, good afternoon and welcome from Kathmandu. We are at Kathmandu Boutique Hotel. Time right now is 12:15. We are about to move Pashupati Nath Mandir जाते हैं और Kathmandu explore करते हैं. कल जो हालत खराब हो गई थी धूल के चपेड़े खाते खाते. Highly polluted area है ये. I don't know क्या हो रहा है धूल. आज थोड़ा बेटर लग रहा है, रिलैक्स किया, फुल नाइट अच्छी नींद ली, सुबह ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट हो रहा है, भूख लगी है. खाना नहीं मिला था, सिर्फ एक फ्राइड राइस मिला था, मैं उससे पेट नहीं भरा था अभी. वो भी एक में हमने आधा खाया और अभी भी इधर वेज में कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेड बटर है, जैम है. और उन्होंने फिर मुझे पोटैटो ऐसे फ्राई करके दिए, बाकी वेज में कुछ नहीं है. ये खड़ा अपना हरिया, रात को अंदर पार्क कर दिया था और गेट बंद कर दिया था. हालत तो बहुत खराब है हरिया की. फ्रेश हो गए अभी एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव. तो चलिए डे 14 की जर्नी शुरू करते हैं. सो हे गाइस, फाइनली बारिश रुक गई, धूप निकली है प्यारी सी, वी आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू. तो आप सभी को मेरा नमस्ते सलाम सस्री अकाल, कसकाय केम छो मजामा, आपड़े तो जोरदार हो बापू. तो जिनको नहीं पता, बता दे कि आज है हमारा डे 14. अब नेपाल एक्सपेडिशन चल रहा है, मुंबई टू नेपाल राइड, जिसमें मैं और मेरी वाइफ कावासाकी वर्सेस 650 मुंबई से लेकर नेपाल राइड के लिए निकले हैं. टुडे इज द डे 14. कल रात को हम यहाँ पहुंचे काठमांडू एंड अभी निकले हैं काठमांडू एक्सप्लोर करने. कल पोखरा से काठमांडू का टायरिंग जर्नी था. बाइक की हालत खराब है, बहुत कीचड़ विचड़ से भरा हुआ है, प्लस यहाँ जहाँ रखा था ये देखिए सब सीमेंट ऊपर से गिर रहा था एंड आई डिडंट न्यू. तो बाइक को भी वॉश कराना पड़ेगा एंड पशुपति नाथ टेम्पल जाते सबसे पहले. बाइक गंदी अच्छी नहीं लग रही है, सबसे पहला वॉश. ऑन द वे टू पशुपतिनाथ यहाँ से 2 किलोमीटर है, वॉश करवाते और निकलते. भैया को चकाचक रखना जरूरी है यार, बहुत हालत खराब हो रही है. ये देखिए क्या निकल रहा है, देखिए अमाउंट ऑफ. सो हरिया चकाचक हो गया है, इतना चकाचक नहीं हुआ है, नॉट सेटिस्फाइड वॉश, बट ठीक है, अच्छा वॉश है, एकदम जैसा मुंबई में करते हैं वैसा नहीं है. पानी मार के, फोम मार के फिर छोड़ दिया, ये पूरा गिल्ला ही है, बोलते पूछते नहीं है. तो अभी एक दो दिक्कत है, पीछे के टायर में 34 प्रेशर है और आगे का टायर का प्रेशर बताना बंद किया यार. आगे का सेंसर मैंने खोल के फूक बुक मार के वापस लगाया बट नहीं बता रहे. एनीवेज ठीक है, पहले ही राइड में TPMS ठस, बट पीस ऑफ माइंड है ये. अच्छी क्वालिटी नहीं होगी शायद, या पता नहीं मेरा ही पीस ख़राब निकला. पीस ऑफ माइंड है कि आपको लाइव टायर प्रेशर दिखते रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती. अभी पीछे में कम है तो सबसे पहले हवा भरवा लेते हैं. पीछे कितना है अभी, कितना है? 35 है ना, 43 करने गए. लेफ्ट के लिए पूरा जगह छोड़ा है, लेफ्ट टर्न के लिए कोई भी नहीं आ रहा आगे. वेरी सिस्टमेटिक, ट्रैफिक रूल्स आर फॉलोड वेरी प्रिसाइसली. ये देखिए बस आया है पीछे से, अभी इसको लेफ्ट ही लेना होगा, पक्का तो ही आया है. ये देखिए गया लेफ्ट में, बहुत अच्छा लगता है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते लोग.
सो हियर वी आर पशुपतिनाथ। पार्किंग कहाँ होगा अभी, ये झंझट है पूछने का। सर पशुपतिनाथ टेंपल के लिए पार्किंग कहाँ पे? ओके ओके, और उधर ही से एंट्री। थैंक यू सर। वो फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पशुपतिनाथ, वो रहा टेंपल। ब्यूटीफुल यार, वो भी हरिया पे। गजब चमत्कार। सो वी आर एट गेट नंबर 3, ये बनकाली चौक है और यहाँ पे पार्किंग लॉट है बड़ा सा, यहाँ पे हरिया को खड़ा कर दिया। लेट्स मूव अहेड पशुपतिनाथ। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। एंट्रेंस के अंदर आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, गैजेट्स लेके नहीं जा सकते, कैमरा स्पेशली। तो यहाँ पे लॉकर सेवा है, लॉकर में रख देते हैं अपने बिलोंगिंग्स और बढ़ते हैं आगे। सो वी हैव रीच गेट नंबर 1, जो मुख्य द्वार है अंदर जाने का, जिस पॉइंट के बाद आगे शूट करना अलाउड नहीं है। तो आगे हम लोग दर्शन करके आते हैं, शूट नहीं कर पाएंगे, बट आप द्वार देख सकते हैं श्री पशुपतिनाथ मंदिर का, जो गेट नंबर 1 से एंटर होने के बाद ये मेन द्वार है। ईशान सर्व विद्यानां ईश्वर सर्व भूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा। मंदिर के कपाट 5 बजे खुलेंगे, अभी बज रहा है 4:15, 4:30, आधा घंटा आसपास के मंदिर देख लेते हैं। विद्यानां ईश्वर सर्व भूतानां ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। So friends, we are at पशुपतिनाथ। तो बेसिकली शिवा को यहाँ रेवर्ड किया गया है, पशुपतिनाथ लॉर्ड ऑफ ऑल दी एनिमल्स। दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यहाँ पे छोटे मोटे मंदिर मिला के 518 मंदिर है अंदर। ये टेम्पल है 400 BC। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है 1979 में। अंदर पशुपतिनाथ विराजमान है और उसमें उनके थ्रोन के नीचे है एक एलिफेंट, एक टाइगर, एक राइनोसोरस और एक बफेलो, और बाजू में 2 डियर्स है। लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉर्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञानम महेश्वरत इच्छेत, यानी ओनली बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा द जीवा कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द पाशा। इसीलिए इनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशु का मतलब सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते, हमारे अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, यहाँ पशु का मतलब वो भी होता है। तो आपके अंदर जो भी एनिमल इंस्टिंक्ट है, उससे छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए और जीव को वो एनिमल इंस्टिंक्ट से अलग करने के लिए यहाँ पे आया जाता है। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रम्बकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। सो फाइनली पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही कामली दर्शन किए, ज़रा भी भीड़ नहीं है, आराम से 1 घंटा हमने लगाया, बहुत अच्छा लगा एंड ट्रूली ब्लेस्ड, डिवाइन सोल जैसा फील हो रहा है, डिवाइन फीलिंग इनसाइड, कांट एक्सप्रेस, बट बहुत अच्छा लगा एंड इट वॉज पीस ऑफ माइंड नाउ, रिलैक्स्ड। कैसा लगा, हैव यू फेल्ट? मन को शांति। चलिए बढ़िए, चलिए तो बढ़ते हैं आगे।
मंदिर में दर्शन करके निकलते ही पार्किंग भी नहीं पहुंची और बारिश जोरदार चालू हो गई। एक दो घंटा बारिश कंटिन्यूस चला एंड वी आर बैक एट द पार्किंग। शाम हो गई, शाम के 7 बज रहे लोकल टाइम। वो रहा अपना हरिया। चलिए चलते हैं होटल पे। जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। 3-4 घंटे जो भी हमने स्पेंड किए पशुपतिनाथ मंदिर में, इट वॉज रियली अ ब्लेस्ड इवनिंग, ब्लेस्ड इवनिंग, बेस्ट इवनिंग एंड ब्लेस्ड इवनिंग। तो अंधेरा हो चुका है एंड आज तो हमने लंच भी नहीं किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया था और दोपहर को निकल गए थे। कुछ अच्छा बढ़िया सा वेज होटल या मिलेगा तो कुछ खाते मस्त बढ़िया सा बाहर चिल आउट करते बॉस। आगे का TPMS नहीं बता रहा यार, क्या हो गया सेंसर को। काठमांडू में तो बारिश हाथ धो के पीछे पड़ गया भाई। जस्ट निकले मंदिर से, बारिश स्टार्ट हुआ, फिर से रुकना पड़ा। GoPro लगा है, मोबाइल लगा है, हमने रेन लाइनर्स नहीं पहने, हमारे राइडिंग शूज़ नहीं है, राइडिंग गियर्स नहीं है। ठंडी भी लग रहा है, इधर 8 बजे सब बंद हो जाता है खाना पीना, 7:15 बज गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अपना हरिया हेड टर्नर है, नेपाल में कावासाकी देखने नहीं मिलता है जल्दी। ईच एंड एवरी वन यस रुक के बाइक के पीछे, बाइक को ही देखते रहते हैं। डेफिनेटली अ हेड टर्नर इन नेपाल, ऑब्वियसली इन इंडिया ऑल्सो, बट नेपाल में तो भाई तहलका मचा देता है। और कोई बाजू में रुक गया तो सबसे पहला IC में कितना है, इंडियन करेंसी में इसका प्राइस क्या है। तो नेपाल में तो 30-40 लाख, कोई बोलता है 50 लाख। एक हमको स्टार्टिंग में मिला था वो बोल रहा है 1 करोड़, कोई बोलता है 15-16 लाख। बट दे लव दिस मोटरसाइकिल लाइक। तो फ्रेंड्स 8:20 हुई, बारिश रुक गई, हमने एक जगह खड़े रह के चाट खाया, बहुत दिनों के बाद चाट खाया। अरे यार ये चिक्कड़ वाले रास्ते से लाया। अच्छा सो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू एंड अवर डे 14 व्लॉग। काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में आज दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा एंड वी आर बैक टू द होटल। हाँ शाम से बारिश ने परेशान किया, कहीं और जगह जा नहीं पाए, बट ठीक है। पशुपतिनाथ में जो दर्शन मिल के जो डिवाइन फील आई, दैट वॉज अमेजिंग। करते हैं यहीं पे आज का व्लॉग एंड एंड कल सुबह निकलेंगे, अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी। सनौली से जाते या रॉक्सॉल से, लेट्स सी, कुछ डिसाइडेड नहीं है। कल सुबह सोचेंगे, प्लान करेंगे और निकलेंगे। तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आवर चैनल राइडर तुषार धनेशा विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।